सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे, ये बात सामने आने के बाद अब उनके साथ रहने वाले कई लोगों ने इस पर खुलासा किया है। उनके दो जो हैं लोग जो उनको बहुत नजदीकी से पहचानते थे, उन्होंने इस पर क्या कहा है, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। अमित भारद्वाज जो कि एडिटर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मान ही नहीं सकता सुशांत सिंह राजपूत अगर अपनी डायरी के पन्ने फाड़ता भी था तो भी उसको संभाल कर रखता था। 12 वॉल्यूम्स हैं उनकी डायरी के, वो अपनी डायरीज को पब्लिश कराना चाहते थे। उन्होंने अपनी डायरी में ये सब बातें लिखी हैं कि सम पीपल बिट्रेड मी, आई डू नॉट हैव गॉड फादर बट आई रैदर विल नॉट फील नेगेटिव, विल बिहेव इन अ पॉजिटिव वे, विल गो पॉजिटिवली, पीपल आर नॉट विद मी, सम पीपल बिट्रेड मी। उन्होंने कहा ये सारी बातें उन्होंने लिखी है और मैं गवाह हूँ इन सारी चीज़ों का कि मेरे सामने उन्होंने ये बातें लिखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं उन सारी डायरीज को पहचान सकता हूँ कि ये डायरीज हैं नहीं हैं, क्योंकि मैंने वो डायरी खुद अपनी नज़रों से देखी हैं। और इसीलिए उन्होंने ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की डायरी फटी हुई नहीं हो सकती, और अगर उन डायरीज को पढ़ा जाए तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप मुंबई पुलिस को मिल जाएंगी। वो कहाँ जाता था, किससे मिलता था, किससे बात हुई, कितनी बार बात हुई, मिलने के बाद कैसा लगा, ये सारी डिटेल्स भी वो डायरी में लिखा करते थे। उनके इस दोस्त ने खुलासा किया है। इतना ही नहीं, उनके एक और दोस्त, उनके साथ असिस्टेंट की तरह काम करने वाले अंकित आचार्य ने कहा है, जब मैं उनके साथ होता था तो मैंने देखा कि वो इस डायरी में अपनी लाइफ की सारी चीज़ें लिखते थे। मैं कल क्या करने वाला हूँ, मैं परसों क्या करने वाला हूँ, मैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी वो इस डायरी में लिखते थे। अगर कभी डायरी के पन्ने फट जाते थे तो मैंने उन्हें देखा था कि वो सारे पन्ने संभाल कर रखते थे। कब और कहाँ शूटिंग पर जाना है, किससे मिलना है, ये सारी बातें भी उन्होंने डायरी में लिखी थी। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये सुसाइड केस नहीं है, सुशांत भैया ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये केस पहले ही CBI को दे दिया जाता तो अब तक बहुत सारी बातें सामने आ जाती। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े दो लोगों ने इस बात का दावा किया है कि वो पन्ने अगर फाड़ते भी थे तो संभाल कर रखते थे, और डायरी में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी वो भी उनके एक दोस्त ने खुलासा किया है, और उनके साथ असिस्टेंट की तरह काम करने वाले अंकित आचार्य ने भी खुलासा किया है। उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि सुशांत भैया कभी दरवाज़ा बंद करके नहीं सोते थे। तो डायरी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि किसने फाड़ी सुशांत सिंह राजपूत की डायरी, पुलिस आई उससे पहले ही क्या पन्ने फट चुके थे, किसने फाड़े हैं और क्यों फाड़े हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वाकई में सामने आना बहुत ज़रूरी है।